मोदी जी का काम कैसा लगता है? एक नंबर काम लगता है भाई, आदमी शेर आदमी है, शेर पाल लोगे तो भाई देखो। अधिकतर बेरोजगारी कौन बता रहा है? मुस्लिम लोग बता रहा है, ठीक है, पर वो आवास योजना भी 80% वो लिए बैठा है। 2024 में आप किसे देख रहे हो? अजी बीजेपी देखी जाएगी, और कौन है देखेंगे? बीजेपी को देख रहे आप? बीजेपी। काम कैसा लगता है? सही लगता है? अच्छा लगता है। काम करने वाला हो तो उसके लिए काम की कमी नहीं है, लेकिन ये कहने वाले तो होते हैं हजार की हमारे पास बेरोजगारी है जी, ये है वो, क्योंकि उनको फायदा चाहिए बस। नीचे तीन जा रहे हैं, टोपी वाले जा रही है, ये सजे धजे क्यों घूम रहे हैं? इनके दो कल त्यौहार था, ये दो दिन और तीन दिन ऐसे घूमेंगे, फिर क्या करते मिलेंगे? कूड़ा बीनते हुए या कहीं कुछ करते हुए। तो जिसके दो बच्चे वो दो को आराम से पढ़ा लेगा लिखा लेगा, और वहीं पांच छह बालक हैं तो उन्हें कहाँ से पढ़ाएगा, बताओ आप मुझे। आपको लगता है मोदी जी के हटते ही योगी जी को संभालना चाहिए मामला? संभालेंगे। ये जो अमित शाह राजनाथ सिंह है, इनमें वो दम दिखता है? दम है, वो अपनी जगह पे अलग काम कर रहे हैं। योगी जी का काम कैसा लगता है? एक नंबर भाई, बाबा एक नंबर काम करता, बुलडोजर बाबा हमारा। तो 2024 में आपकी तरफ से क्लियर है बीजेपी भैया? हमारे मोदी सरकार फिर आएगी, मोदी सरकार और बिल्कुल ठोक के साथ आएगी। अगर आज की डेट में अगर जा रहे हो रस्ते में, पुलिस वाला चलान काटेगा तो काटेगा ही, पैसा नहीं लेगा तुमसे। पहले क्या था, तुम कहीं भी गए नो, बाबूजी से बात कर लो, बड़े भाई से बात कर लो, सब क्या लग रहा है? सरकार आएगी और क्या? मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी भाई। अब मैं काम में व्यस्त हो जा रहा हूँ जब तक इनसे मोदी से बात। अरे कोई दिक्कत, खुल के बोलिए कोई। अरे बताओ जल्दी। अरे हम बता रहे हैं मोदी सरकार आएगी भाई, मोदी सरकार आए। काम कैसा लगता है आप? बढ़िया लगता भाई। ये कहते महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अब भाई यार महंगाई एक बात बताओ, महंगाई के हिसाब से काम भी तो देखोगे, नहीं देखोगे बताओ मुझे। आपको लगता है काम हुआ है? बिल्कुल हुआ। महंगाई बर्दाश्त कर सकते हैं भाई? हमारा तो बर्दाश्त क्या कर रहे हैं, हमारी चल रही है, मस्त चल रही है, महंगाई हमें लगनी थी साफ बात। अच्छा आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हैं या फिर देश के और देख रहे? देखो जितने भी भाई, अगर एक बात बताओ, देश में और रह रहे हैं आदमी जितने भी है, मेरे हिसाब से तो आदमी ये कहता है कि नुकसान चल रही है या चल रही है, जो भी चल रहा है, लेकिन सारे काम तो बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब जिसको दिक्कत है वो वही होगा जो फ्रॉड आदमी है भाई। देखो महंगाई जो है ना वो उनके लिए एक सेकंड कि जो जमाने के अनुसार चल नहीं रहे, जमाने के हिसाब से नहीं चल रहे, महंगाई उनके लिए है, हमारे लिए तो कोई महंगाई नहीं है। जमाने के अनुसार चलना मतलब आप क्या, मुझे थोड़ा अब आसानी से बताइए। आसानी ये है कि क्या बोलते हैं, अब हमें दिख रहा है कि अगर अनएजुकेटेड रहेंगे तो नहीं चल पाएंगे ना जमाने के अनुसार। पहले तो पढ़ाई जरूरी है, उसके साथ में रोजगार दे रही है सरकार, ठीक। तो इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, योगी जी कह रहे हैं हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आएंगे, तो कहीं हद तक ये भी मायने रखता है? घर में एक बच्चा होगा तो अच्छे से पढ़ा पाएंगे? मेरे एक बच्चा है, मेरे एक लड़का है, 3 साल का हो गया, मुझे दूसरे की जरूरत ही नहीं है। जनसंख्या कानून आपको क्या लगता है लाना चाहिए? लागू होना भी चाहिए। आप एक बात बताओ, अगर जनसंख्या कम होगी, एजुकेशन बढ़िया होगा, काम बढ़िया मिलेगा, हर चीज बढ़ेगा, रोजगारी बढ़ेगी। एक मिनट, अगर घर में दो बच्चे हैं या तीन बच्चे हैं, और फिलहाल दो बच्चे हैं, तो जिसके दो बच्चे वो दो को आराम से पढ़ा लेगा लिखा लेगा, और वहीं पांच छह बालक हैं तो उन्हें कहाँ से पढ़ाएगा, बताओ आप मुझे। योगी जी का काम कैसा लगता है? एक नंबर भाई, बाबा एक नंबर काम करता, बुलडोजर बाबा हमारा, एक नंबर। ये पीछे तीन जा रहे हैं, टोपी वाले जा रही है, ये सजे धजे क्यों घूम रहे हैं? इनके दो कल त्यौहार था, ये दो दिन और तीन दिन ऐसे घूमेंगे, फिर क्या करते मिलेंगे? कूड़ा बीनते हुए या कहीं कुछ करते हुए। क्यों, इनके पास में बंदे इतने हो जाते हैं, बच्चे इतने हो जाते हैं कि किसका पेट भरेंगे? इनका वो वाला हिसाब रहता है कि कोई पिंचर जोड़ रहा है, कोई कूड़ा उठा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो जनसंख्या तो भैया खास कर क्या, इनके ऊपर प्रतिबंध करना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ, हिंदुओं के ऊपर भी करो, कि हर कोई सुकून से अपनी दो रोटी खा सके। कारोबार की या काम की किसी चीज़ की कमी नहीं है, सिर्फ मेन चीज़ ये है जो सरकार ने बीच में एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि हम ऐसा कानून लेके आएंगे जिसके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उसको सरकारी सुविधाएं और नौकरियां नहीं मिलेंगी, ये सही है नहीं? उसे नागरिकता भी नहीं मिलनी चाहिए सर अपने भारत की। हम दो हमारे छोड़ ही दो। आपने कहा बुलडोजर बाबा बहुत पसंद है। हाँ जी भाई, लोग सवाल उठाते हैं अगर बच्चा माँ बाप के कंट्रोल से बाहर है और वो कोई गलत कदम उठा देता है तो उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, लेकिन सरकार ये नहीं देखती कि उसके माँ बाप ने कितनी मेहनत से घर बनाया, तो बच्चों के कर्मों की सजा उस माँ बाप के मेहनत के बनाए हुए घर। ठीक है, आपकी बात ठीक है कि भाई बच्चों के कर्मों के देखोगे, लेकिन बच्चा जब या कहानी सुनी होगी ना आपने, पहले कहानी सुनी होगी कि एक बच्चा रहता है, वो अंडा चुरा के लाता है एक दिन, तो उसकी माँ कहती शाबाश, अगले दिन दूसरा चुरा ला, तो भाई कहीं ना कहीं घर का सपोर्ट तो मिल ही रहा है ना उन्हें, तभी तो हुआ ये सब। आपको लगता है घर वालों को बच्चों पे ध्यान देना बहुत भाई बिल्कुल जरूरी है यार, हमारे बच्चे होंगे, कल वो गलत करता है, अगर आज रहपट मार दिया तो कल वो गलत करेगा। बुलडोजर एक्शन सही है आपकी नज़र में? भाई बिल्कुल सही है, एक नंबर, एक नंबर। मोदी जी का काम कैसा लगता है? एक नंबर काम लगता है भाई, आदमी शेर आदमी है, शेर पाल लोगे तो भाई देखो। शेर जब थे ना, जब 2014 से पहले वहाँ पीछे बोल रहे थे, जब ये शेर सत्ता में आया तो बहुत उम्मीद थी,
थी, लेकिन पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया, रसोई गैस 400 से 1200 पहुंच गई, महंगाई आसमान छू गई, वहां चने वाला बोल रहा है टमाटर 100 रुपए किलो हो गया। कोई बात नहीं, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक चलो एक बात ठीक है, आप ये देख रहे हो कि अभी 100 रुपए हो गया, 120 रुपए हो गया, अप डाउन तो चलता रहता है रेट, उसमें क्या कहते हैं तुम्हारे लॉकडाउन के बाद रेट बढ़ गया था तेल का, 180 तक पहुँच गया, अब 110 पे आ गया, 110 पे आया नहीं आया। अब आप ये चीज़ देख रहे हो कि महंगाई बढ़ रही है, ये तो ये भी तो देखो हमारी सैलरी भी तो इंक्रीज हो रही है, दूसरी बात ये एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, जीडीपी भी बढ़ रही है, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है मेरे भाई, बढ़ रहा है क्यों नहीं बढ़ रहा, हर चीज़ की सुविधा मिल रही है। हम आप कुछ हम कह जो महंगाई जो महंगाई के लिए आप बात कर रहे हो, ये वही बंदे महंगाई महंगाई ज़्यादा चिल्ला रहे हैं जो आवास योजना लेके बैठे हुए हैं। कौन लेके बैठा आपकी निगाहों में आवास योजना? कितने आपको क्या लगता है सरकारी स्कीम का फायदा गरीब इंसान से ज्यादा पैसे वालों ने उठाया है? नहीं, गरीब इंसानों ने उठाया है, पर उसमें भी क्या है अधिकतर बेरोजगारी कौन बता रहा है, मुस्लिम लोग बता रहा है, ठीक है, पर वो आवास योजना भी 80% वो लिए बैठा है, ठीक, उसके बाद में महंगाई बोल रहे हैं, चाहे लॉकडाउन का कितना भी टाइम पीरियड रहा हो, गवर्नमेंट ने तुम्हें घर पर बैठा के तुम्हें राशन दिया किसी सरकार में मिल गया क्या? अगर आज की तारीख में आज नहीं होना था या इस सरकार में नहीं होना था तो आगे तो महंगाई बढ़नी थी या नहीं, आप खुद बता दो, जो इस टाइम पे दौर चल रहा है तो आगे जो है ग्रोथ ही करना। आपको लगता है कोरोना में 1.5-2 साल राशन बांटना बहुत बड़ी बात है किसी सरकार? बिल्कुल, अब एक लिमिटेड एक स्टेट को या एक पर्टिकुलर किसी जगह को नहीं दिया, पूरे पैन इंडिया को दिया है, उसमें ये भी नहीं देखा गया कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है कौन क्रिश्चियन है कौन क्या है, हर जगह मिला है ना। तो 2024 में आपकी तरफ से क्लियर है बीजेपी भैया, हमारे मोदी सरकार फिर आएगी, मोदी सरकार और बिल्कुल ठोक के साथ आएगी, 28 भी या 32 भी हम तो आगे तक उस मोदी सरकार ही चाहते हैं, योगी सरकार। अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री के पद पर रहने की भी एक समय सीमा होती है, एक उम्र सीमा होती है, अगर मोदी जी की उम्र मान लीजिए संविधान के हिसाब से पूरी हो जाती है तो आप किसको? सुनो देखो मैं बता देता हूँ, हाँ भैया अगर मोदी जी, अगर मैं देता हूँ एक मिनट, मोदी जी ने अपने इस कार्यकाल में एक नियम मेरे हिसाब से गलत बनाया कि उम्र का, नहीं तो हम योगी जी को भी चाहते हैं, पर तब तक मोदी जी थे तो मोदी जी चलने थे, उसके बाद में योगी मतलब जी मतलब जब तक दम है उनकी तरफ से तब तक उन्हें ही काम करना है, अगर ये बदला जा सकता है तो बदल जाना चाहिए। आपको लगता है मोदी जी के हटते ही योगी जी को संभालना चाहिए? संभालेंगे, ये जो अमित शाह राजनाथ सिंह है इनमें वो दम दिखता है? दम है, वो अपनी जगह पे अलग काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर आपको ऐसा नहीं लगता प्रधानमंत्री मोदी के हटने के बाद कुर्सी की मारामारी हो सकती है बीजेपी में? अभी तक तो ऐसा नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं लग रहा। आप योगी जी को पहले से डिसाइड, योगी जी को वोट है हमारा तो जी। समाजवादी पार्टी में क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा रहा कि योगी जी दोबारा? अब एक बात सुन लो योगी जी, अब एक बात सुन लो जी, समाजवादी पार्टी की बात छोड़ दो, अब मैं बताता हूँ, पहले आप देखते थे क्राइम रेट कितना था, अगर आज की डेट में अगर जा रहे हो रस्ते में पुलिस वाला चलान काटेगा तो काटेगा ही, पैसा नहीं लेगा तुमसे। पहले क्या था, तुम कहीं भी गए नो बाऊजी से बात कर लो, बड़े भाई से बात कर लो, समाजवादी पार्टी का कोई छोटा मोटा नेता वो भी फोन करवा देता था, लेकिन आज की डेट में अगर चलान कटना है तो फिर चाहे बाबा को फोन कर दो, अगर मैं गलत हूँ तो चलान कटाएगा। आप लोग काम क्या करते हैं भाई? ये राइडिंग वाला? नहीं राइडिंग का नहीं है, मैं ऑपरेशन टीम देखता हूँ पेटीएम का। अच्छा, और आप? इनके अंडर में? ये मेरे अंडर। आप लोग अपने टीम में ही है, मतलब आप उसके लोग हैं? हाँ। तो आप लोग सैलरी बेस पे ही होंगे? हाँ। काम हम बढ़िया चलता है आप लोगों का? बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर टेंशन होती या काम नहीं होता तो हम आपसे बैठ के बात ना कर रहे होते, या एक सिंगल बंदा बात कर रहा होता, सब अपना काम करके बैठे हुए मजे ले रहे हैं छुट्टी, आप आ गए आपसे, अब आपने हमसे बात करना शुरू किया, आपको बता रहे हैं तुम पे नराई करनी आ रही हो तो तुमको बाजरा नराने को बहुत तेरे काम हो, वो गाड़ी चलानी हम वो तमाम गाड़ी, अगर मैं अभी जाके घर में जाके बेड पे लेट जाऊँ तो कोई काम ना है। काम करने वाला हो तो उसके लिए काम की कमी नहीं है, लेकिन ये कहने वाले तो होते हैं हजार की हमारे पास बेरोजगारी है जी, ये है वो, क्योंकि उनको फायदा चाहिए बस, वही सबसे पहले सरकारी फायदा वही उठाते हैं। अभी तुम कहोगे कि अरे सरकारी के वजह से हमारे पैसे नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे, ये नया स्कीम लाई है, उस स्कीम का सबसे पहले फायदा तुम ही उठाओगे और तुम ही बोलोगे अरे हमने नहीं किया कुछ भी, हमें नहीं मिल रहा, बेरोजगार हो रहे, और सारे चीज के मजे वही ले रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल। मैं बताता हूँ बेरोजगारी पता है कहाँ से कम हुई, चोरी की। पहले क्या था, सौतीगंज में मेरठ में था, आज की डेट में कपड़ा बिकता है वहाँ पे, गाड़ी कोई ले नहीं जा सकता, और पहले क्या था, गाड़ी उठाई जी बाबू जी चले गए, गाड़ी कट गई, ऐसा शाम को शराब पी ली, बात खत्म, समझो अपनी है नहीं करवाला है जी, मोटरसाइकिल खराब होगी बांधा बेटे नया इंजन, तो उनके लिए हुई है।
उनके लिए रोजगारी हुई है कम, काम की बेरोजगारी ना। जो मेहनत कर रहा है ना उसके लिए भाई हम आज भी मेहनत कर रहे हैं, सुबह आते शाम को जाते अपना मेहनत का खमा रहे खा रहे, कोई टेंशन नहीं। जो मेहनती है जो काबिल है उसके लिए काम है, काम है उसके लिए आज भी। अब एक बात बताओ, आप यहाँ देख रहे हो मेट्रो पे जोमेटो वाले भी हैं, स्विगी वाले भी हैं, ओला उबर वाले भी हैं, अपनी मेहनत का खा रहे हैं, अपना तेल फूक रहे हैं, अपना जब कमा रहे हैं जब खा रहे हैं, किसी का कोई मतलब। 3000 रुपए कमा रहे हो ओला उबर वालों, एक ऐप डाउनलोड करके 3000 कमा रहे हो, चल हाँ कमा रहे हो। गाड़ी खड़ी है ना, 10 लाख की गाड़ी लगा दी, नहीं लगाई मोटरसाइकिल लगा ली, ठीक है मोटरसाइकिल में लगा कमा रहा है। लेकिन जिसके द्वारा मेहनत है, जो चाह रहा है कि भाई मेहनत का खाऊंगा, किसी का मुझे एक रुपये नहीं चाहिए, वो आदमी तुमसे कुछ नहीं कह सकता, अपना मजे से कमा रहा, मजे से खा रहा।